कि 2-3 दिन पहले एक नाबालिग छात्रा के साथ में बलात्कार हुआ, ब्लैकमेलिंग हुई और लाखों रुपए की ठगी हो गई। हम मांग करना है प्रशासन से कि एक मांग तो बड़ी हर्ष की बात है कि पुलिस कप्तान साहब के नेतृत्व में गिरफ्तारियां बहुत जल्द हुई है, पर शेष लोगों की गिरफ्तारी और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं। दूसरी बात, हमारे उत्तर के विधायक साहब हैं, उन्होंने आज के समाचार पत्र में कहा है कि यूपी के, उत्तर प्रदेश के योगी साहब की तरह कार्रवाई करें, बुलडोजर कार्रवाई करें यहाँ का प्रशासन। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन तो आपका है, सरकार आपकी है, यहाँ अजमेर में, राजस्थान में, जयपुर में और दिल्ली में एक ही सरकार है और आप किन से मांग कर रहे हैं? आप कार्रवाई करें, आप प्रशासन को आदेश दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर गिरफ्तारी के तीसरे दिन में बुलडोजर चल जाता है और आज तीसरा चौथा दिन है, अभी तक कुछ टस-मस नहीं हुआ प्रशासन। तो प्रशासन तो आपके आदेश का इंतजार कर रहा है, सरकार आप हैं, तो आप श्रीमान से निवेदन है कि आप आदेश दें प्रशासन को और 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला के बताएं, पीड़िता को न्याय मिलेगा। और पीड़िता उम्मीद करती है क्योंकि आपने न्याय के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने चुनाव से पहले भी आपने ये वादा किया था कि महिला सुरक्षा पे हमारी सरकार पूरा ध्यान देगी, मगर आज ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और आप मांग कर रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई की, तो आप किन से मांग कर रहे हैं? प्रशासन आपका है, आप प्रशासन को आप आदेश दें और 24 घंटे में कार्रवाई करके दिखाएं, अन्यथा आपकी बात निर्थक है। और आदेश श्रीमान देवनानी साहब देंगे, देवनानी साहब प्रशासन है, सरकार है, मालिक है वो हमारे जनता के। हमसे उन्होंने वादा किया था कि महिला सुरक्षा पर हम विशेष ध्यान देंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा, हमें प्रतीत नहीं हो रहा, हमें महसूस नहीं हो रहा है। हमें लगेगा जब आपकी कार्रवाई धरातल पर आएगी और समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से हमें मालूम पड़ेगा कि देवनानी साहब ने आदेश पारित करवा दिया और बुलडोजर चल गया है। मनोहर सिंह राजावत, अजमेर, शिवसेना, शिंदे।